हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो में मैंने कुछ भूगोल के प्रश्नों को लिया हुआ है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है? ऑप्शन चार दिए हुए हैं, पहला मन्नार की खाड़ी, दूसरा लक्षद्वीप सागर और तीसरा दिया है पलकर स्ट्रेट और चौथा दिया है मिनिकाय। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लक्षद्वीप सागर सही हो जाएगा। लक्षद्वीप सागर की सीमा भारत, मालदीव और श्रीलंका से लगती है। इसकी कुल क्षेत्र 7086 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन चार दिए, पहला मुद्दूमलाई राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दिया हुआ है पंपदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा दिया हुआ है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और चौथा दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य से हो जाएगा। अमरावती जलाशय तमिलनाडु के इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य का नाम अब बदलकर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व रखा गया है। तीसरा प्रश्न, गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है? ऑप्शन चार है, पहला अरावली श्रृंखला, दूसरा है विंध्य श्रृंखला, तीसरा है तोबा काकर श्रृंखला और चौथा है सतपुड़ा श्रृंखला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा श्रृंखला सही हो जाएगा। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला भारत को दो भागों में बांटती है। नर्मदा और तापी नदी सतपुड़ा श्रृंखला से उत्पन्न होती है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन चार है, पहला चूना पत्थर, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है बॉक्साइट और चौथा है लेड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट सही हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है, यह विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। पाँचवा नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु का जयन कोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन चार है, पहला बॉक्साइट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा कैल्साइट और चौथा है मैग्नेसाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट सही हो जाएगा। जयन कोदम तमिलनाडु के अरियालूर जिले में स्थित है। छठवां प्रश्न, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड और चौथा सिक्किम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम सही हो जाएगा। जोंगसोंग पर्वत की ऊंचाई 7462 मीटर है, यह विश्व का 57वां सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भूगोल इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ ही साथ मंडे को करंट साप्ताहिक करंट अफेयर अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ? ऑप्शन चार है, पहला कृष्णा गोदावरी D6, दूसरा है महानदी डी डीप वाटर ब्लॉक और चौथा है SB11 और चौथा है KG DWN 2005/2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कृष्णा गोदावरी D6 सही हो जाएगा। अप्रैल 2009 में रिलायंस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू किया। आठवां प्रश्न है, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन चार है, पहला केरल व आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल व तमिलनाडु, तीसरा केरल व राजस्थान और चौथा है केरल व उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी केरल और राजस्थान से हो जाएगा। भारत में थोरियम के भंडार लगभग 360,000 टन हैं। भारत का थोरियम भंडार विश्व का कुल भंडार का 25% है। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन चार है, पहला सिक्किम, दूसरा असम, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा मेघालय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। कश्मीरी केसर की गुणवत्ता, रंग व स्वाद विश्व के सर्वोत्तम माना जाता है। कश्मीर एक छोटे से क्षेत्र पंपोर में अधिकतर केसर का खेती की जाती है। दसवां नंबर प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार में तुम्लापल्ले में पाए जाते हैं, तुम्लापल्ले किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। तुम्लापल्ले खदान आंध्र प्रदेश के कदपा में स्थित है। 2011 भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए अनुसंधान में यह पाया गया कि तुम्लापल्ले में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम संभावित भंडार है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।